मुंबई में अपनी दादी सुहासिनी के साथ रहत करती थी। कुछ समय पहले ही उसकी एजुकेशन कंप्लीट हुई थी। उसका सपना था कि वो एक मशहूर वकील बने, इसलिए वो लॉ की पढ़ाई जी जान से करती है और अपना ये सपना साकार कर लेती है। लेकिन लॉयर का काम संभालना नायरा के लिए काफ़ी मुश्किल था। 24 घंटे उसे सिर्फ काम में ही बिजी रहना पड़ता था, यहाँ तक कि उसके पास अपनी दादी के साथ वक्त गुजारने तक का टाइम नहीं था। तभी एक दिन नायरा फैसला करती है कि वो पूरा एक दिन सिर्फ अपनी दादी के साथ ही बिताएगी। इसलिए उसने संडे के दिन अपने काम से छुट्टी ले ली थी। उस दिन नायरा अपनी दादी के साथ पार्क घूमने गई। मॉर्निंग में वहाँ कई लोग मौजूद थे, जिनमें से कुछ महिलाएं अपने बच्चों के साथ भी आई थी। सुहासिनी थक चुकी थी, इसलिए वो चेयर पर बैठ गई थी। तभी नायरा ने अपनी दादी से कहा कि वो उनके लिए पानी लेकर आती है, और इसलिए नायरा सुहासिनी के लिए पानी लेने चली जाती है। लेकिन जब नायरा पानी लेने गई, तब उसने वहाँ एक छोटे से बच्चे को रोते हुए देखा। वहाँ उसकी माँ मौजूद नहीं थी, और नायरा उस रोते हुए बच्चे को देखकर बहुत दुखी हुई। इसलिए वो तुरंत उस बच्चे की माँ को ढूंढने लगती है। आसपास उसे दो महिलाएं दिखती हैं, जिनमें से एक चेयर में बैठी हुई थी और दूसरी पार्क में लगे फूलों के साथ सेल्फी क्लिक कर रही थी। उन दोनों ही महिलाओं को देखकर नायरा को लगा कि उन दोनों महिलाओं में से ही कोई एक इस रोते हुए बच्चे की माँ है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बच्चे की माँ को कैसे पहचाने। पर कुछ समय बाद ही उसे अपने इस सवाल का जवाब मिल जाता है। वेल दोस्तों, क्या आप इस तस्वीर को देखकर बता सकते हैं कि इन दोनों महिलाओं में से इस रोते हुए बच्चे की माँ कौन है? अगर हाँ, तो आपके पास इस मजेदार पहेली का जवाब देने के लिए 10 सेकंड का वक्त है, और आपका ये समय शुरू होता है अब। दोस्तों, नायरा को पता चल जाता है कि पार्क में मौजूद उन दोनों महिलाओं में से नंबर 2 वाली महिला ही उस रोते हुए बच्चे की माँ है, जो कि फूलों के साथ फोटो क्लिक कर रही थी। क्योंकि अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखेंगे, तो बच्चे के गले में जो काले रंग का निशान है, वैसा ही निशान इस महिला के गले पर भी है, जिसे देखकर नायरा जान जाती है कि उस रोते हुए बच्चे की माँ यही है। वेल दोस्तों, आपने बच्चे की माँ को पहचानने में कितने सेकंड का वक्त लिया? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही ऐसी और मज़ेदार पहेलियों के जवाब देने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।